देश में इस बार खराब मानसून के कारण खरीफ फसलों की खेती पर व्यापक असर पड़ा है धान की बुआई का रकबे में भारी कमी आई है इसके कारण इस बार खरीफ फसलों के उत्पादन में कमी आने की आशंका जताई जा रही है पर इन सब से बीच खबर भी निकल कर आ रही है कि राज्य सरकारों ने इस साल पिछले साल की तरह ही रिकॉर्ड धान खरीद का लक्ष्य रखा है मिली जानकारी के मुताबिक राज्य सरकारों ने खरीफ वर्ष 2022 के लिए 506 लाख टन चावल खरीद का लक्ष्य रखा है हालांकि उत्पादन में कमी आने की आशंका के बीच सरकारों ने खरीद करने का फैसला किया है पर अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी क्योंकि राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करने के बाद अगले सप्ताह केंद्रीय खाद्य खाद्य मंत्रालय द्वारा खरीद अनुमानों की पुष्टि की जाएगी गौरतलब है कि सरकार द्वारा किसानों से धान की खरीद की जाती है और फिर उसे चावल मिलों को दिया जाता है खरीफ सीजन में होने वाले धान की खरीद अक्टूबर महीने में शुरू हो जाती है हालांकि कई राज्यों में धान की कटाई के महीने के हिसाब से यह तय किया जाता है कि देश में भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकार के संगठनों द्वारा एमएसपी पर धान की खरीद की जाती है उल्लेखनीय है कि खरीफ वर्ष 2022-23 के लिए सरकार ने सामान्य ग्रेड के धान के लिए दो हजार प्रति क्विंटल की एमएसपी तय की है जबकि ग्रेड ए धान के लिए दो हजार रुपए प्रति क्विंटल की एमएसपी तय की गई है वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य सरकारों ने खरीफ धान की फसल का प्रारंभिक आंकलन कर उत्पादन और खरीद का अपना अनुमान जारी कर दिया है राज्य सरकारों द्वारा किए गए आकलन के मुताबिक इस बार बिहार झारखंड और पश्चिम बंगाल में उत्पादन में कमी आ सकती है क्योंकि बारिश में देरी के कारण बुआई में देरी हुई है पर सरकार द्वारा निर्धारित खरीद खरीफ धान की खरीद के लक्ष्य पर इसका असर पड़ने की फिलहाल कोई संभावना नहीं है ब्यूरो रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी